नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, सही से समझने की कोशिश करना आपके पैसे की। अगर आप बोलो कि भैया सेफ्टी कितनी रहेगी, तो मैं 10 में से इस पोर्टफोलियो को रेटिंग दूं सेफ्टी पर्पस से, तो मोर देन 8 रेटिंग देनी चाहिए सेफ्टी पर्पस, यानी कि सेफ है। परफॉर्मेंस वाइज देखें तो 10 में से आप इसको ऑलमोस्ट, वैसे तो परफॉर्मेंस आने के बाद हम काउंट करते हैं, तो उससे पहले काउंट करनी नहीं चाहिए, बट अभी मैं आपके साथ क्या एक एक करके सारे स्टॉक शेयर कर रहा हूं, फिर रेटिंग आप खुद दे देना कि सेफ्टी के लिए ठीक है या नहीं है। भैया सेफ तो पूरी है, तो जब सेफ पूरी है तो फिर एक चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि हम जितना ज्यादा सेफ्टी जोन में जाते हैं स्टॉक मार्केट में, उतने हमारे रिटर्न्स कम होते हैं। जितना रिस्क की तरफ जाएंगे उतने रिटर्न्स बड़े हो सकते हैं और पैसा उतना ही कम भी हो सकता है, ये आप मानते हो ना। तो जब मैंने आपसे बोला सेफ्टी पूरी है, तो रिटर्न्स नॉमिनल से सोचकर चलना, नॉमिनल इन द मीन 10-15% के मिनिमम सोच के चलना। इसमें मिक्स है, कुछ स्टॉक ऐसे जो 20-25% दे सकते हैं अगले 6 महीने में, कुछ स्टॉक 10% या फिर 8% के लिए खेलेंगे, कहीं आपको 10% इजीली मिल जाएगा तो कहीं 15%। शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करना। पहले स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर, ₹272 की आज की क्लोजिंग है इस स्टॉक की, और ये पहला स्टॉक है। पहले मैं आपको रेशियो बताना चाहूंगा, हम इस वीडियो में 5 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करेंगे, आपको हर शेयर में 20% का अलॉटमेंट देना है पांचों शेयर्स में, बट एक चेंज है, उस 20% में से 15% आप अभी लगाओगे, 5% दूसरे लेवल पे लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 की पोर्टफोलियो बना रहे हैं हम, 5 शेयर हैं, 20,000 सब में लगेगा इक्वल, बिल्कुल इक्वल, उस 20,000 में से 15,000 अभी लग जाएगा और बचा हुआ सबका ₹5,000 आपका लगेगा गिरावट में। चंबल फर्टिलाइजर पहला शेयर है, 20,000 यानी 20% इसके लिए अलोकेट कर दिए, जिसमें से 15% मैं अभी लगाऊंगा, यानी 15,000 में अभी लगा दूंगा करंटली 272 के भाव पर। शेयर में मेरा टारगेट 300 और ₹320 का है, ठीक है जी। इसको प्रॉफिट भी सेम रेशियो से बुक करना है, जो 300 पे हम 15% बुक करेंगे और बचा हुआ 5% हम बुक करेंगे ऊपर 315 या 320 पे, ठीक है जी। अगर 15% अभी लगा रहे हैं तो दूसरा कहां लगाना है, दूसरा आपको लगाना है 254 के आसपास, बचा हुआ 5,000। इनके शेयर गिरता ही नहीं है फिर कोई बात नहीं, वो पैसा आप अपने पास रखे रहना, ठीक है जी। पहला स्टॉक चंबल फर्टिलाइजर हो गया, लेवल्स मैंने आपको बता दिए, पहला 272 पे लगा देना है और दूसरा 254 पे लगाना है। जो लोग इस पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, इस पूरी की पूरी पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, इस तरीके से काम कर सकते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने 5 शेयर तो सुन लिए, खरीद एक लिया, वही नहीं चला, आके कमेंट कर रहे हो, फिर ऐसे पैसा नहीं बनता। पैसा ऐसे बनता है टोटल आपने 1,00,000 पे कितना गेन करा सारे स्टॉक्स में मिलाकर, वो मानी जाती है कि वेल्थ बनी या नहीं बनी। अगला शेयर है रिलायंस। अब रिलायंस में मुझे नहीं लगता कि किसी को कंफर्ट नहीं आएगा, सबको कंफर्ट आ जाएगा कि सेफ्टी तो पूरी है। 2314 पे आज की क्लोजिंग है, 15,000 अभी लगाना है 15%, बचा हुआ 5% लगाना है ₹2240 पे। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, और टारगेट पहला होगा 2650 का, जहां मैं 15% बुक करूंगा, और दूसरा 2750 का, जहां बचा हुआ 5% बुक करूंगा। स्टॉप लॉस किसी में कोई नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, पूरी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, पैसा ऐसा नहीं है टूट जाएगा, पैसा कहीं ना कहीं से पक्का ज्यादा ही बनेगा आपका, ठीक है जी। तो रिलायंस के भी लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं आगे। थर्ड स्टॉक आपके लिए HDFC बैंक है। HDFC बैंक की बात की जाए, 1535 पे पहला लेवल 15% यही जाएगा, ₹1480 पे दूसरा इंस्टॉलमेंट जाएगा, या 1460 भी आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ दिक्कत दिखती हो तो। पहला लेवल बनेगा इसमें 1750 का, और मैं चाहूंगा आप यहीं पे बुक कर लो अपना, क्योंकि फिर टाइम स्ट्रेच हो सकता है, या फिर पहला 1700 दूसरा 1750 भी कर सकते हो। थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं आगे। थर्ड स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करूं यहाँ पे, तो स्टॉक का नाम इस समय है टाटा पावर। 257 पे पहला 15% यही लगाना है, 240 के करीब दूसरा इंस्टॉलमेंट डालना है, आपका टारगेट होगा 275 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट आपका होगा 300 के समथिंग का, 295 लगा लीजिए या 290 लगा लीजिए, क्योंकि 300 के पार निकलते ही तो रॉकेट हो जाएगा, या फिर 300 से दोबारा गिर सकता है। तो ये आपके लिए हो गया फोर्थ स्टॉक, ठीक है। हमने अभी तक 4 कवर कर दिए, चंबल फर्टिलाइजर, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, टाटा पावर। लास्ट स्टॉक जो मेरा यहाँ पे आप सभी के साथ है, वो थोड़ा सा मैं टेक्निकली जाना चाहूंगा,
और यहाँ टेक्निकली वैसे तो मैं इसको पहले से आपके साथ शेयर करता आया हूँ IRCTC, अभी कल भी दो दिन पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, टेक्निकली अच्छा लग रहा है 720 तक ज्यादा दिख रहा है, आ गया 720, लेकिन मुझे लगता है 750 की तरफ जाने के लिए तैयार है और उसके बाद कुछ 850 रुपए तक के भी लेवल्स बन सकते हैं। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, या तो IRCTC करंट लेवल पे लेके 680 पे दूसरा इंस्टॉलमेंट डाल के 750 और 770 के लिए प्ले कर लो, या फिर आप दूसरा ऑप्शन दूसरा विकल्प भी यूज कर सकते हो और वो विकल्प होगा आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में, SBI के रूप में। 590 का लेवल है स्टॉक का, करंटली लगाना है और नीचे आपको लगाना है 560 रुपए पे। लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, देखिए एक बार ये 620 तोड़ेगा ना तो 650 तक जाने की उम्मीद रखता हूं मैं इससे। तो ये कुछ स्टॉक, ये पूरी स्ट्रेटेजी, ये पूरी पोर्टफोलियो, सब में इक्वल वेटेज है, सब में पहली बार में 15 15 15 और अगला 5 जिसमें मौका मिल गया लगा देंगे, जिसमें नहीं मिला कोई बात नहीं, टारगेट भी 2 दिए आपको, उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना है। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।